हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका सायाट से। आज का मेरा वीडियो आम पने के ऊपर है। आज हम बनाने वाले हैं आम का पना। ये कच्चे आम हैं, आधा किलो ले लिए हैं मैंने, और आम अच्छे से टाइट हों इसके साथ पुदीना ले लिया है। और भी जो चीज़ें पड़ेंगी मैं वो आपको साथ साथ बता दूंगी। ये कच्चे आमों को हम पहले अच्छे से वॉश कर लिया है इन्हें, और पोंछने के बाद में हमने इनको छील लेंगे। और ये हमें इसमें आम पना बनाने के लिए हमें इसका गूदा चाहिए होता है। तो आपको बड़े छोटे जैसे भी आम मिलते हैं आप वैसे ले लेना। मुझे ये छोटे आम मिले तो मैंने इनको ले लिया है। और इसके अंदर का हम सब निकाल देंगे, जो भी गुठली है इसकी इसकी कच्ची है तो वो आराम से निकल गई है। अगर पक्की गुठली आती है जाली वाली तो उसके चारों तरफ का हम गूदा यूज़ करेंगे। तो उसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और आम पना काफ़ी अच्छा होता है, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं और लुए चल रही हैं, लुओं में बहुत अच्छा है ये। पीने के लिए एक पौष्टिक ड्रिंक है, हेल्दी ड्रिंक। तो इसको हम बना के रख देंगे तो हमें जब इसको पीना होगा या हम किसी को सर्व भी कर रहे हैं तो फटाफट 1 मिनट लगता है हमें इसे बनाने में। अच्छा, जो हम आम लेंगे उसमें से एक छोटा सा पीस निकाल के हम चेक कर लेंगे कि ये कितना खट्टा है, क्योंकि इसके लिए हम खट्टे आम लेंगे। खट्टे आमों का टेस्ट एक अच्छा सा आता है और बहुत टेस्टी सा ड्रिंक बन जाता है। तो इस तरह से मैं सारे आमों को छील के और इसका गूदा अलग कर लूँगी। गैस पे हम एक पैन चढ़ा देंगे। हमारा गूदा हमारे पास आ गया है तो अब इसमें मैं सारा ये डाल दूँगी इसका। और इसमें मैं करीब 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। पानी हम थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही डाल रही हूँ, हमें ज़रूरत होगी हम बाद में डाल देंगे। और अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो इसमें करीब 10 मिनट लगे हैं मुझे ये, और 10 मिनट में ये अच्छे से मुझे लग रहा है इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। और इस लेवल पे मैं इसमें एक कटोरी चीनी डाल दी है मैंने, छोटी कटोरी, और ये काला नमक है 1 चम्मच, और ये थोड़ी सी मिर्च डाल दी है मैंने, और ये आधी चम्मच के करीब सफ़ेद नमक डाल दिया है। और इसको हम अच्छे से चलाते हुए ये सारी चीज़ें हमारी इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से चीनी घुल जाए। चाशनी तो नहीं बना रही हूँ मैं, लेकिन हाँ इसमें ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ये, बस इस लेवल तक हम करेंगे। और अब मैं इसको चेक कर लूँगी कि ये हमारे आम अच्छे से गल गया है नहीं गल गया है। तो ये देखो ये बहुत अच्छे से पूरा इसका गल चुका है आम, और इसका कलर भी अच्छा सा ही चेंज हो गया है, रसा भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अभी हम इसको चलाते हुए इसको मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अभी हम इसको ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये करीब 1 घंटे के करीब हो गया है और ये ठंडा हो गया है, आम भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो हम इसको पीस लेंगे, या तो हम इसका पूरा पल्प निकाल लेंगे, और क्योंकि अभी ऐसे करके तो अच्छे से हमारा पीसेगा नहीं, काफ़ी पानी आ गया है। तो मैं इसे छान के इसका पल्प अलग कर लूँगी और इसके पल्प को हम पीस लेंगे, जो भी हमारा गूदा निकला है। और ये ड्रिंक आप सब लोग बनाइए क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी ड्रिंक है। इसमें मैं पुदीना डाल दूंगी। इस लेवल पे आप जीरा भी डाल सकते हैं, मैं भुना हुआ पिसा जीरा थोड़ा बाद में डालूंगी, इसको पहले पीस लेती हूँ। ये मेरा पिस गया है, अच्छे से इसको चेक कर लेंगे। ये देखो अच्छे से ये स्मूथ पेस्ट बन गया है, और इसमें मैंने पिसा हुआ भुना जीरा डाल दिया है। और एक बार मैं इसको मिला के फिर से मिक्सी में पीस लूँगी इसको, कि ये जीरा अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मैं इसमें से पानी डाल दूँगी इसी का, जो हमारा रस निकला हुआ है। और ये मेरा पिस गया है और जीरा मिक्स हो गया है। और इसको अब हम जो हमारा पानी था इसका आम का उबाले उबाला था जहाँ पे हमने, उसी में मैं इस गूदे को पूरे को छान के उसमें निकाल लूँगी। ये सारा हम अच्छे से छान लेंगे तो हमारे पास एक स्मूथ पेस्ट आ गया है।
ये एक्स्ट्रा सारा मैंने निकाल दिया है और ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो पानी था हम जिसमें हम आम उबाल रहे थे कच्चा, वो सब एक देखो कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट आ गया है। अब ये क्या है, अब ये हम फटाफट कभी भी हमें पीना है सर्व कर सकते हैं। हमें बस इतना ही करना है। हमने आइस डाला और आइस के साथ हम इसको थोड़ा ये डाल देंगे स्वाद अनुसार। हम चीनी और नमक चेक कर लेंगे, अगर हमें थोड़ा और या चाहिए तो हम डाल लेंगे। अब हमने थोड़ा 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 सा इसमें डाला है एक एक करछी, और अब इसमें हम पानी मिला लेंगे और पानी के साथ ये हमारा अब इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारा आम पन्ना तैयार हो गया है। अब हमें किसी को भी अगर सर्व करना है तो सिर्फ हमें ये थोड़ा सा आम पन्ना मिलाना है और पानी मिक्स करना है आइस के साथ। और ये मैंने थोड़ा गार्निश कर दिया है इसके साथ में, मैंने थोड़ा पुदीने के पत्तियों के साथ में और एक छोटा सा अम्ब्रेला इसमें लगा दिया है और ये मेरा आम पन्ना तैयार हो गया है। आपको ये आम पन्ना कैसा लगा आप मुझे बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।